नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। ललितपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के क्वांतला गांव में प्रधान और पूर्व प्रधान के बीच जमीन को लेकर विवाद हो गया। इसी विवाद के चलते पुलिस के सामने ही प्रधान ने लाशें बिछाने की धमकी तक दे डाली, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए दोनों पक्षों के 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की। वहीं किसी ने इस पूरे मामले का वीडियो बना लिया, जो कि सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। तो ललितपुर का ये पूरा मामला है, जहां पर प्रधान और पूर्व प्रधान में जमीन को लेकर विवाद हो गया, जिसमें धमकियां प्रधान देने लगा, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। दोनों पक्षों की तरफ से 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। तो किसी ने ये वीडियो बना लिया, वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल होता हुआ नजर आ रहा है, और जो प्रधान की धमकी है वो भी काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरती हुई नजर आ रही हैं। ललितपुर का ये वीडियो, जहां पर प्रधान और पूर्व प्रधान के बीच जमीन को लेकर विवाद छिड़ गया। मेरठ के मवाना क्षेत्र में 3 दिन पहले दो पक्षों के बीच बच्चों की कहासुनी के बाद विवाद हो गया था। विवाद के दौरान 3 लोगों को मुकदमे में फर्जी नामजद किया गया। वहीं फर्जी नामजदगी के खिलाफ बिरादरी के लोगों ने हंगामा कर दिया और धरना देकर बैठ गए। वहीं हंगामा करने वालों ने हिंदू संगठन पदाधिकारियों पर भी अभद्रता और जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। पीड़ित परिवारों ने सामूहिक रूप से धर्म परिवर्तन का ऐलान कर दिया, तो इसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस प्रशासन को 3 दिन में कार्रवाई के लिए समय दिया गया है। मवाना के मोहल्ला मुन्नालाल में इस दौरान दलित पक्ष के अर्जुन, मोनू जाटव और अंकित जाटव समेत दर्जन भर लोगों के खिलाफ दूसरे पक्ष ने मुकदमा दर्ज करा दिया। इसकी जानकारी पर एक पक्ष के लोगों ने विरोध किया और मुकदमे में फर्जी नामजदगी का आरोप लगाया। अर्जुन, मोनू और अंकित तीनों ही एक हिंदू संगठन के सदस्य हैं, इसलिए उन्होंने अपने पदाधिकारियों से फोन पर बात करने और प्रकरण जानकारी में लाने का प्रयास किया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि उसके साथ संगठन पदाधिकारियों ने अभद्रता और जमकर गाली गलौज की है। इसी से होकर पीड़ित कार्यकर्ताओं ने अपने समाज के लोगों के साथ मोहल्ले के मंदिर में धरना दिया। इस दौरान 100 से ज्यादा लोगों ने सामूहिक धर्म परिवर्तन की धमकी दे डाली। इसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया। वहीं दूसरी ओर हिंदू संगठन पदाधिकारियों ने मामले की जानकारी से इनकार किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी कार्यकर्ता से कोई अभद्रता नहीं की गई है। तो मेरठ का एक पूरा मामला, जहां पर तमाम परिवार ऐसे हैं जो धर्म परिवर्तन की धमकी दे रहे हैं। तो मुकदमे में फर्जी नामजद का आरोप लगा हुआ है, जिसको लेकर विवाद बना हुआ है। मेरठ के खरखौदा थाना क्षेत्र में तालाब में शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी मंगवाकर मृतक के शव को तालाब से बाहर निकाला। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। मेरठ का एक पूरा मामला, जहां पर तालाब में शव मिलने से हड़कंप मच गया। छानबीन में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। तो तालाब में शव तैरता हुआ दिखने के बाद राहगीरों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची, जेसीबी की मदद से तालाब से युवक का शव निकाला। फिलहाल उसकी शिनाख्त में पुलिस जुटी हुई है। आए दिन नगरपालिका की पोल खुलने की खबरें सामने आती रहती है। वहीं एक और मामला प्रतापगढ़ से सामने आया, जहां पर 6 घंटे की बारिश ने नगरपालिका की पोल खोल दी। जी हां, बारिश के कारण नाले नलियां पूरी तरह से बंद हो गई है, यानी कि पानी की निकासी नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से गंदा पानी जो है वो भर रहा है। इसके साथ ही बारिश में मेडिकल कॉलेज भी तालाब में तब्दील होता हुआ नजर आया, जो कि तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। शहर में नाले की सफाई ना होने से शहर की हालत खराब है। इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या जिले के प्रशासनिक अफसर दोषी लोगों को दंडित करेंगे? क्या नाले और नाली की सफाइयां करवाकर शहर को दुर्व्यवस्था से निजात मिल पाएगी? फिलहाल अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, लेकिन ऐसे सवाल हर किसी के जहन में उतर आते हैं। प्रतापगढ़ का ये पूरा मामला है, जहां पर प्रतापगढ़ की नगर पालिका की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। नगर पालिका फिलहाल तमाशबीन बनी हुई है, लेकिन बरसात के मौसम में नदियों और नालों का पानी जो है वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी भरता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
प्रतापगढ़ के लालझूज कोतवाली क्षेत्र में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर तेज रफ्तार से आ रही वॉल्वो बस और ट्रक में आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। वहीं घटना से बस में सवार आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें तुरंत लालगंज सीएचसी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं घटना में घायल 3 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। तो बस और ट्रक में आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। बस में सवार करीब आधा दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। संभल के बदायूं मेरठ मार्ग पर गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र में यातायात के नियमों का उल्लंघन एक परिवार पर भारी पड़ गया। बुलेरो की टक्कर से बाइक सवार एक ही परिवार के 2 मासूम समेत 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इतना ही नहीं, बाइक पर 2 बकरी के बच्चे भी सवार थे, इनमें से एक बकरी के बच्चे की मौत हो गई। भीषण हादसे के बाद सड़क पर चीख पुकार मच गई। वही मौके पर आसपास के लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई। इसी के साथ प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत से परिवार समेत गाँव में कोहराम मच गया। जिसने भी यह हादसा देखा वो सन्न रह गया। वही पुलिस ने बुलेरो को अपने कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। संभल का एक पूरा मामला है, जहां पर बाइक और बुलेरो की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं इस हादसे के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है, पूरे इलाके में गम का माहौल बना हुआ है। सुल्तानपुर शहर में बीते कई दिनों से चोरी की कई वारदातों ने सुल्तानपुर पुलिस की नींद उड़ा दी है। लगातार हो रही चोरियों से परेशान पुलिस अधीक्षक ने क्राइम ब्रांच और साइबर सेल को खुलासे के लिए लगाया था। बीती रात मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ शातिर चोर मोबाइल फोन बेचने की फिराक में हैं, जिसके बाद क्राइम ब्रांच सर्विलांस सेल के साथ नगर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर एक चोर आदिल को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर उसके 2 साथी जावेद और तैफल उर्फ नाटे मौके से फरार हो गया। पुलिस की माने तो ये तीनों लुटेरे नगर कोतवाली के हिटवा मोहल्ले के ही रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस ने उनके पास से चोरी के 2 मोबाइल, 5,000 रुपए बरामद किए हैं। साथ ही आदिल की निशानदेही पर 18 और मोबाइल भी बरामद किए। बरामद हुए मोबाइल में 11 सही है, बाकी 9 मोबाइल क्षतिग्रस्त कर दिए गए। फिलहाल आदिल को जेल भेजने के साथ साथ पुलिस उसके दोनों साथियों जावेद और तैफुल की गिरफ्तारी के लिए लगातार कोशिशों में जुटी हुई है। तो पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, एक चोर गिरफ्तार, 2 साथी मौके से फरार बताए जा रहे हैं। सुल्तानपुर का एक पूरा मामला, काफी समय से इनकी चोरी की घटनाएं जो हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही थी और सूचना भी मिल रही थी पुलिस को कि ये गैंग है और चोरी की घटनाओं को लगातार अंजाम दे रहा है, लेकिन लगातार पुलिस को ये चकमा दे रहे थे, लेकिन इनका एक साथी पकड़ा गया है, बाकी के 2 फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। तो इनके पास से कई मोबाइल फोन और नकदी भी बरामद कर ली गई है। आज अभियुक्त पकड़ा गया, ये 3 क्राइम में यहाँ पे वांटेड था थाना कोतवाली नगर से। इसका नाम आदिल है, सनाफ इब्रार अहमद जो डिहवा का रहने वाला है। ये लुटेरा है और इस पर अपराध लूट और चोरी के बहुत ही मुकदमे इस पर पंजीकृत हैं। ये वर्तमान में वांटेड चल रहा था, तो कोतवाली नगर की टीम और क्राइम ब्रांच और साइबर सेल ने इसको मिल के इसका गिरफ्तारी की है आज। और इससे जो बरामद हुआ है वो करीब 11 मोबाइल जो है चालू हालत के हैं और 9 जो है टूटे हुए हैं मोबाइल। ये लगभग 20 पूरे मोबाइल इससे बरामद हुए हैं। अच्छा अपराधी है और इसके जो साथी हैं उनकी बरामद की गिरफ्तारी के लिए और प्रयास। वाराणसी में गंगावर्णा में आई बाढ़ के बाद जिले के कई निचले इलाकों में पानी घुस गया है। इसे देखते हुए कई इलाकों में राहत शिविर बनाए गए हैं। बावजूद इसके बाढ़ प्रभावित इलाकों में काफी संख्या में लोग अब भी अपने अपने घरों में ही रुके हुए हैं। इसी को देखते हुए प्रशासन की ओर से लोगों के घरों तक राहत सामग्री पहुंचाने का काम जारी है। वहीं प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने वाराणसी पुलिस कमिश्नर सतीश गणेश और जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा से गंगा वर्णा के तटीय बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। 2 दिन पहले भी राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने एनडीआरएफ की टीम के साथ गंगा और वर्णा तटीय बाढ़ प्रभावित इलाकों का जमीनी दौरा किया था। इस दौरान एनडीआरएफ बोट पर सवार होकर राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने अधिकारियों के साथ मिलकर कई इलाकों का जमीनी स्तर पर जायजा लिया। इसके बाद संबंधित विभागों के अधिकारियों और बाढ़ की ड्यूटी में लगाए गए जिले के अफसरों को कई दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। तो राज्य मंत्री ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। राहत सामग्री पहुंचाने का काम भी तेजी के साथ किया जा रहा है। बता दें कि कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बाढ़ बारिश की वजह से नदियां उफान पर है, कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। ऐसे में लगातार
शासन प्रशासन की ओर से इन इलाकों में मदद पहुंचाई जा रही है। मेरठ के परतापुर इलाके में बिजली विभाग के अधिकारी अपने आश्वासन से पलट गए। इसी से आक्रोशित किसानों ने किसान नेता विजयपाल पाल के नेतृत्व में परतापुर थाने पर अनिश्चितकालीन धरना दे दिया। लगभग 15 दिन बिजली अधिकारियों ने ढोकल और जैनपुर गांव में चेकिंग की थी। इस दौरान परतापुर थाने में काफी किसानों के खिलाफ बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ था। किसानों ने बिजली अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। वे मौके पर पहुंचे पिछली अधिकारियों ने किसानों पर न्यूनतम शुल्क लगाने का आश्वासन दिया। न्यूनतम शुल्क के नाम पर बिजली अधिकारियों ने किसानों पर लाखों रुपए का शुल्क लगा दिया, जिससे किसान आक्रोशित हो गए और परतापुर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। इस दौरान किसान नेता विजयपाल भुकला ने परतापुर पुलिस पर काफी गंभीर आरोप लगाए, जिसमें कंचनपुर घोपल गांव में रविदत्त और रामलता पर दहेज का मुकदमा भी किया गया और गौरव की जीजा अशोक शर्मा पर भी मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें पुलिस ने एक पक्षी कार्रवाई करते हुए अशोक शर्मा का नाम काटकर उस मुकदमे से बरी कर दिया। मुकदमे के बरी होने के बाद ही महिला को धमकी दी जा रही है, जिसमें परतापुर पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। इस मुकदमे का जिक्र करते हुए बताया गया कि पुलिस ने आरोपी पक्ष से साठगांठ करके एक व्यक्ति का गंभीर अपराध में से नाम निकाल दिया और उसे क्लीन चिट दे दी है। तो भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। किसानों पर न्यूनतम शुल्क लगाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन यह आश्वासन अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, जिससे किसान जो है काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि अधिकारी आते हैं और लगातार आश्वासन देते हैं, लेकिन एन मुंह पर नाट जाते हैं। मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र में 27 तारीख को गांव सतोहा में दो पक्षों में विवाद हो गया था और विवाद के दौरान दोनों पक्षों में जमकर मारपिटाई भी हुई, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा था। वहीं इलाज के दौरान घायल की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साई परिजनों ने नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया और पुलिस पर आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई न करने का भी आरोप लगाया। वहीं परिजनों ने नामजद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारियों ने आश्वासन दिया, तब जाकर ग्रामीणों ने जाम खोला है। तो घायल ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। आक्रोशित लोगों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, कुछ दिनों पहले का ये पूरा मामला है, जहां पर दो पक्षों में मारपिटाई हो गई थी। मारपिटाई में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया, जिसके बाद आसपास के लोगों ने और परिवार ने मिलकर शव को हाईवे पर रख दिया और नेशनल हाईवे को पूरी तरह से जाम कर दिया। बाराबंकी के रामसैनी घाट तहसील क्षेत्र में पिछले कई दिनों से विशेष समुदाय के लोगों की तरफ से अत्याचार से परेशान होकर हिंदू परिवारों के पलायन की खबरें लगातार सोशल मीडिया में चल रही थी। जैसे इस बात की जानकारी प्रशासन को हुई तो प्रशासन हरकत में आ गया और आनंद फानंद में रामसैनी घाट तहसील की तहसीलदार को पूरे मामले की जानकारी के लिए तत्काल गाँव भेजा गया और हमारी टीम भी गाँव पहुंची। गांव में प्रशासन की जांच के दौरान जो बात निकलकर सामने आई वो खबरों से परे थी। ना ही किसी हिंदू परिवार को कोई समुदाय विशेष का व्यक्ति परेशान कर रहा था और ना ही हिंदू परिवार गांव से पलायन कर रहे थे। जांच के दौरान बताया गया कि जो हिंदू परिवार गांव से बाहर चले गए हैं, वो आपसी विवाद और घर के सामने पर्याप्त जगह न होने के चलते गाँव से बाहर चले गए। इस पूरे मामले की विस्तार से जानकारी के लिए हमारी टीम ने गाँव के कई व्यक्तियों से बात की और इस बारे में जानकारी के दौरान गाँव के कई व्यक्ति मिले और बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम दोनों समुदाय के लोग साथ में सौहार्दपूर्ण तरीके से रहते हैं और हमारा जन्म नहीं हुआ है, हम 50 सालों से साथ में रह रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कतें सामने नहीं आ रही हैं। तो सोशल मीडिया पर कई दिनों से हिंदू प्लान की खबरें चल रही थी, जिसकी तहकीकात की गई तो तहकीकात में मामला कुछ और ही नजर आया। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं, सब हिंदू मुसलमान आपस में रह रहे हैं, भाईचारा कायम है, ऐसा कोई हमारे यहाँ दिक्कतें नहीं। जी का जो दिक्कत कह रहा है उसका आपसी किसी एक व्यक्ति से तनाव है, इसीलिए वो पूरे गांव को समुदाय को बोल रहा है। बाकी असलियत ये नहीं है कि पूरा समुदाय परेशान कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई मुसलमान किसी हिंदू को ना परेशान करे, ना हिंदू कोई मुसलमान का परेशान करे। मामला कोई नहीं था, ये रास्ते का मामला था, रजामंदी से हो रहा था, बाद में इन लोगों ने एतराज़ किया कि मतलब पुलिस आ गई थी कि एतराज़ हुआ कि मतलब यहाँ नहीं बनना चाहिए, ये बन चुका था। फिर प्रधान जी आए, उन्होंने कहा भैया इन लोग की मर्जी नहीं है, इसलिए इसको हटा लो, तोड़ दो, तो हम लोगों ने इसको तोड़ दिया।
मतलब आपके सामने पड़ा हुआ, देख लीजिए आप। बाकी और कोई विवाद? बाकी और कोई विवाद नहीं है, कोई कभी आपसे नहीं, नहीं, कभी नहीं। इसमें एक्चुअली यहाँ पे हमें ये कंप्लेंट मिली थी कि कुछ जो है मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं वो हिंदू परिवारों को रहने नहीं दे रहे हैं, है ना। तो इस संबंध में आज हम लोग आए, ग्रामवासियों का बयान लिया, तो यहाँ ये पता चला कि जो ग्रामवासी हैं, जो कुछ परिवार हिंदू हैं, उनको पलायन के लिए कोई बात नहीं कर रहा है, उनके बयान लिए गए और वो आराम से शांतिपूर्वक हैं। दो तीन लोगों की समस्या थी कि उनको, उनकी व्यक्तिगत समस्या थी कि बगल में कोई मुस्लिम परिवार है तो उन्होंने खड़ंजा चौड़ा कर लिया, रास्ता चौड़ा कर लिया, बाद में उसका निस्तारण करा दिया गया है। अब संतुष्ट हैं वो? अब वो जो है संतुष्ट हैं, उनको आश्वासन दिया गया है कि ऐसा नहीं होगा। क्या आश्वासन दिया गया? और अब वो चाहते हैं कि उनको वहाँ से कहीं और दे दिया जाए जहाँ पर थोड़ी उनको जानवर वगैरह बांधने की भी समस्या थी। नोएडा में पुलिस लगातार बदमाशों पर कहर बनकर उठ रही है। बदमाश आए दिन पुलिस की गोली का निशाना बन रहे हैं। देर रात नोएडा में पुलिस की कार सवार बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान दो बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, तो वहीं दो बदमाशों को पुलिस ने कॉम्बिंग के दौरान पकड़ लिया। घायल बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने एक सेंट्रो कार, तमंचा, कारतूस और पेचकस समेत कई सामान बरामद किए हैं। वहीं पुलिस ने टेरों पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। ये सवारियों को अपनी गाड़ी में बिठाकर उनके साथ लूट की घटना को अंजाम दिया करते थे और काफी दिनों से पुलिस को इनकी तलाश थी और आखिरकार ये पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। तो बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। दो बदमाश गोली लगने से घायल हो गए हैं और दो बदमाश भागने में कामयाब रहे, लेकिन यहाँ पर जानकारी मिली है कि कुछ देर बाद ही दोनों बदमाशों को पकड़ लिया गया, यानी ये कहा जा सकता है कि इस मुठभेड़ में चार बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। एनसीआर में एक लुटेरों का गैंग था जो कार लेकर के जहाँ भी सवारी खड़ी होती थी वहाँ जाकर के सवारी के रूप में उनको बिठाते थे, उसके बाद सुनसान जगहों पे छोड़ दिया करते थे। यहाँ पे ऐसी घटनाएं हमारे यहाँ भी देखी गई जिसमें लोग दिल्ली से, दिल्ली में जो भी बस स्टैंड्स वगैरह थे वहाँ से लोगों को बिठा के लाकर और उसके बाद हमारे यहाँ जो सुनसान सड़कें थी, सर्विस रोड्स थे, उस पर छोड़ दिया करते थे और उनके साथ लूटपाट करते थे। इस तरह के गैंग्स पे काम करने के लिए हमारी टीमें लगी हुई थी और आज सेक्टर 24 की टीम को सूचना थी। हम लोगों ने सभी संदिग्ध गाड़ियों की चेकिंग के लिए लेट नाइट में हम लोगों ने अपनी टीम्स लगाई थी। अभी थोड़ी देर पहले जो आईसी हरिदर्शन है मेट्रो मार्केट के पास चेकिंग कर रहे थे, एक सेंट्रो गाड़ी थी, चार उसमें सवार थे, गाड़ी संदिग्ध लगी, उनको रोकने का प्रयास किया गया, वो भागे और इधर 34 की तरफ जो टी पॉइंट है वहाँ पर इन लोगों ने चारों तरफ से इनको घेरा। उस गाड़ी में से फिर फायरिंग शुरू हुई, हमारी पुलिस टीम पे अटैक हुआ, जवाबी कार्रवाई हुई, उसमें दो उसमें से चारों निकल करके भागे जब ये गाड़ी इनकी डिवाइडर से टकराई तो, और दो व्यक्ति उसमें से सात के आसपास के एरियाज में भागे। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत नगर पालिका परिषद झिझक में आज़ादी के वीर क्रांतिकारी शहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण और संगीत गायन के जरिए फूल चढ़ाकर भावपूर्ण रूप से उन्हें याद किया गया। साथ ही इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए छात्र छात्राओं ने निबंध, पेंटिंग और गायन के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई, जिससे नगर पालिका अध्यक्ष रोशनी संखवार और अध्यक्ष प्रतिनिधि संतोष त्रिपाठी से सम्मिलित हुए लोगों की तरफ से छात्र छात्राओं को सम्मानित कर उनका हौसला भी बढ़ाया गया है। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम यहाँ चल रहा था, इस दौरान दीप प्रज्वलित कर श्रद्धांजलि उन शहीदों को अर्पित की गई। साथ ही साथ इस मौके पर इस खास कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने भाग लिया, निबंध, पेंटिंग, तमाम चीजें यहां पर की गई और इन्हें सम्मानित भी किया गया है। तो कानपुर की तस्वीरें हैं जहां पर अमृत महोत्सव की शुरुआत की गई और इसी उपलक्ष्य में एक विशेष कार्यक्रम यहां पर रखा गया जिसमें तमाम लोगों ने हिस्सा लिया है। तमाम छात्र छात्राएं यहां पर मौजूद थीं जिन्होंने इस कार्यक्रम के तहत अपनी प्रतिभा भी दिखाई है, चाहे वो निबंध के तौर पर हो, चाहे वो पेंटिंग के तौर पर हो। उत्तर प्रदेश में 1 सितंबर से कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के स्कूल शुरू हो जाएंगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले में निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा कोचिंग संस्थाओं के संचालक भी अनुमति दे दी गई है। आपको बता दें कि बुधवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूल कॉलेजेस में नए सत्र की शुरुआत की तैयारियों की समीक्षा भी की। माध्यमिक विद्यालयों के लिए शासन द्वारा जारी गाइडलाइंस को बेहतर बताते हुए मुख्यमंत्री ने इसी तर्ज पर सभी शिक्षक संस्थाओं के लिए दिशा निर्देश जारी करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जूनियर हाई स्कूलों में छठवीं से आठवीं तक की कक्षाओं में दाखिले की प्रक्रिया 16 अगस्त से शुरू कर दी जाए। इसके साथ ही स्थिति का आकलन करते हुए 1 सितंबर से पढ़ाई भी शुरू की जा सकती है। इस दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी गाइडलाइंस का पूरी तरह पालन करना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्राथमिक को छोड़कर सभी शिक्षक संस्थान 15 अगस्त से स्वतंत्रता दिवस के दिन खुले रहेंगे। हालांकि पढ़ाई 16 अगस्त से शुरू होगी। माध्यमिक विद्यालय दो पालियों में सुबह 8 से 12 बजे और दोपहर 12:30 से शाम 4:30 बजे तक खुलेंगे। आधे विद्यार्थियों को पहली पाली में और बाकी विद्यार्थियों को दूसरी पाली में बुलाया जाएगा। इसके साथ ही अब छठवीं से आठवीं तक की कक्षाओं में दाखिला शुरू करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में 1 सितंबर से प्रॉपर तरीके से स्कूल खुल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कर्नाटक कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री विनय कुलकर्णी को जमानत दे दी है। आपको बता दें कि विनय कुलकर्णी को 2016 में धारवाड़ में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या में कथित तौर पर शामिल होने के आरोप में सीबीआई ने पिछले साल नवंबर में गिरफ्तार किया था। वहीं अब विनय कुलकर्णी को राहत देते हुए जस्टिस यूयू ललित और अजय रस्तोगी ने कहा है कि विनय कुलकर्णी को 3 दिनों के अंदर संबंधित निचली अदालत में पेश किया जाए और अदालत द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों के अधीन उन्हें जमानत दी जा सकती है। हालांकि शीर्ष अदालत ने कुलकर्णी को धारवाड़ में प्रवेश करने और मामले की जांच की प्रक्रिया में बाधा न डालने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि 26 वर्षीय जिला पंचायत के सदस्य योगेश गौड़ा गौदर की 15 जून 2016 को धारवाड़ के सप्तपुर में उन्हीं के जिम में हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद मामले में सीबीआई ने कांग्रेस नेता विनय कुलकर्णी को गिरफ्तार किया, जिन्हें अब जमानत दे दी गई है। तो बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या का पूरा मामला था, कांग्रेस नेता को अब जमानत मिल गई है। पिछले साल ही उन्हें गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली में जंतर मंतर पर 8 अगस्त को आयोजित एक कार्यक्रम में धर्म विशेष के खिलाफ नारेबाजी के मामले में गिरफ्तार किए गए पूर्व बीजेपी प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। पटियाला हाउस कोर्ट के मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट उद्भव कुमार जैन ने अश्विनी उपाध्याय को 50,000 रुपए के मुचलके पर जमानत दी। उन्होंने कहा कि पेश साक्ष्य और वीडियो से नहीं पता चलता है कि आरोपी ने वहां उपस्थित लोगों को किस समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने को लेकर उकसाया था या उनके कहने पर किसी ने आपत्तिजनक नारेबाजी की हो। ऐसी संभावना नहीं है कि आरोपी फरार हो जाएगा। अदालत ने कहा कि अभी इस मामले में जांच चल रही है, लेकिन सिर्फ आशंका के आधार पर किसी के निजी स्वतंत्रता का हनन नहीं किया जा सकता। इससे पहले अश्विनी उपाध्याय के वकील ने कहा था कि बिना किसी ठोस आधार के किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो जंतर मंतर पर भड़काऊ बयान का ये पूरा मामला सामने आया था, जिसके बाद गिरफ्तारी कर ली गई थी अश्विनी उपाध्याय की, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से उन्हें जमानत दे दी गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह एक दिन पहले ही मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं। कैप्टन अमरिंदर और पीएम मोदी के बीच हुई मुलाकात को लेकर पंजाब सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि मुख्यमंत्री ने विवादित तीनों कृषि कानून को वापस लेने और किसानों को मुफ्त कानूनी सहायता ऋण में लाने के लिए संशोधन की मांग की है। पंजाब सरकार ने कहा है कि लंबे समय तक चलने वाले किसानों के आंदोलन की ओर इशारा करते हुए, जिसमें 400 से ज्यादा किसानों और श्रमिकों की जान चली गई, पंजाब के सीएम ने कहा कि इसे देश और राज्य की सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान समर्थित पाकिस्तान विरोधी ताकतें किसानों के असंतोष का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। पीएम के साथ अपनी बैठक के दौरान पंजाब के सीएम ने कहा कि निरंतर आंदोलन न केवल पंजाब में आर्थिक गतिविधि को प्रभावित कर रहा है, बल्कि सामाजिक ताने बाने को भी प्रभावित करने की क्षमता रखता है, खासकर जब राजनीतिक दल और समूह कोई बड़ा कदम उठाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जानकारी देते हुए कहा है कि तत्काल सुनवाई के लिए मामलों का पीठ के समक्ष सीधे उल्लेख करने के बजाय शीर्ष अदालत के अधिकारियों के सामने ऐसा करने की व्यवस्था बनाई गई, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं को उनके कनिष्ठ सहयोगी की तुलना में विशेष प्राथमिकता ना दी जाए। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमणा, न्यायमूर्ति विनीत शरण और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने कहा है कि हम वरिष्ठ अधिवक्ताओं को विशेष प्राथमिकता देकर कनिष्ठ अधिवक्ताओं वकीलों को अवसर से वंचित नहीं करना चाहते।
पीठ ने कहा कि ये प्रणाली इसलिए बनाई गई है ताकि सभी लोग रजिस्टर के समक्ष मामले को रख सके। प्रधान न्यायाधीश ने स्पष्ट किया है कि यदि उल्लेख करने के लिए अधिकारी द्वारा अनुरोधों को अस्वीकार किया जाता है तो वकील उनके समक्ष मामलों का उल्लेख कर सकते हैं। उन्होंने ये टिप्पणी उस समय की जब कोयला घोटाले संबंधित एक जनहित याचिका के संबंध में एनजीओ कॉमन कोर्स की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि मामले को पीठ के समक्ष तत्काल सूचीबद्ध करने के अनुरोध अधिकारियों को देने के बावजूद मामले महीनों तक ठंडे बस्ते में ही पड़े रहते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।